वंदो ज्ञानानंद करने मिचंद गुणकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमनी रमन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात्पद मुद्रित अहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान बिन दान धन हे नहीं तन छीन होते उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत होते उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत। गुणस्थान चर्चा में नाम तो फिर भी गुणस्थान चर्चा ही है, यद्यपि चर्चा करना है गुणस्थानातीत चर्चा। किसकी चर्चा? गुणस्थानातीत चर्चा, क्योंकि अब गुणस्थान का काम नहीं है, गुणस्थान का काम तो पूरा हो चुका और गुणस्थान के बाद जिसकी प्राप्ति कर चुके हैं जीव, ऐसे उन जीवों की चर्चा हमें करना है, इसलिए हम कहते हैं गुणस्थानातीत चर्चा। ऐसे उन सिद्ध भगवानों की चर्चा हम कर रहे हैं, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, उनके स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमें जानने का प्रयास करना है। वैसे हमारा अंतिम लक्ष्य सिद्ध बनना ही है, इसका मतलब ये भी ना समझें कि पहला और दूसरा लक्ष्य कोई और है। पहला लक्ष्य भी वही है और अंतिम लक्ष्य भी वही है, सिद्ध ही बनना है, इसके अलावा अन्य कोई हमारा लक्ष्य है ही नहीं। और सिद्ध एक बार बन गए, सिद्ध परमेश्वरी बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, तो अनंत काल के लिए सारे दुखों से मुक्त हो गए। और इन्हीं को ही वास्तव में हम भगवान मानते हैं और हम भी स्वयं वही बनना चाहते हैं। मात्र अरहंत तक बनना हमारा लक्ष्य नहीं, सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा अन्य देवी देवता बनना भी हमारा लक्ष्य नहीं। दुनिया में देवी देवता अनेक तरह के प्रसिद्ध हैं, उन देवी देवताओं को लोग भगवान रूप में मानते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है, वे जाने। लेकिन वास्तव में जो एक बार जान ले कि जो स्वयं रागी द्वेषी हों, जो स्वयं ही एक दूसरे को मारते हों, भक्तों को बचाते हों और शत्रुओं को दंड देते हों, वे तो स्वयं रागी द्वेषी हुए। और वे रागी द्वेषी हुए और हम भी ऐसे ही काम करते हैं, तो दोनों में अंतर कहाँ रहा? और जब दोनों में अंतर नहीं, तो हम उनको उच्च क्यों माने, भगवान क्यों माने? इसलिए सबसे जो मुक्त हो चुके हैं वे ही हमारे आराध्य हो सकते हैं, साध्य हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। और उन्हीं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। अनेक बिंदुओं से चर्चा करने के बाद आज अपन संभवतः इस प्रकरण का ये अंतिम प्रवचन हो, क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप अब अपन पूरी तरह से जान चुके हैं और थोड़ा बहुत जो बचा है उतना जानने का प्रयास कर रहे हैं। सिद्धों की विशेषताएं क्या हैं, अब सिद्धों की विशेषताएं उनको अपन क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे। विशेषताओं में पहले नंबर की विशेषता देखिए, यह लिखा है सिद्ध भगवान पांच शरीरों से रहित होने से निराकार है, किंतु अंतिम शरीर से कुछ न्यून ज्ञान शरीरी पुरुषाकार भी आगमुक्त है। क्या बोले?
निराकार भी हैं और आकार सहित भी हैं। तो निराकार हैं तो किस अपेक्षा से? ये पांचों शरीरों से रहित हैं, क्योंकि आकार होता है शरीरों का। कौन से पांच शरीरों से रहित हो चुके हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमा, सारे शरीर समाप्त, सब कुछ चला गया। तो पांचों शरीरों से रहित होने से तो निराकार हो गए, एक बात। लेकिन फिर भी किंतु अंतिम शरीर से कुछ न्यून ज्ञान शरीर ही है। अपन ने छढ़ाला वही पढ़ा ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता है ना। फिर तो उनकी और आगे की व्याख्या कर दी, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, माने अनंत काल तक के लिए शर्म भोगते हैं। शर्म भोगते हैं का मतलब सुख भोगते हैं। ऐसे वे ज्ञान शरीरी हैं, अशरीरी होते हुए भी ज्ञान शरीरी हैं। देखो एक तरफ हम बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही हो मेरे, और उन्हीं को एक तरफ बोलते हैं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल। ऐसा विरोधाभास सा दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता है नहीं। यही जैन दर्शन की विशेषता है कि जहां पर विरोधाभास दिखाई दे तो वहां विरोधाभास दिखने पर भी विरोध होता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मत चल पड़े हैं, इसीलिए अटक गए हैं। कोई किसी पक्ष को स्वीकार करता है, कोई किसी पक्ष को, लेकिन जैन दर्शन जानता है कि यह पक्ष भी किसी अपेक्षा से सत्य है और दूसरा पक्ष भी किसी अपेक्षा से सत्य है, क्योंकि एक ही वस्तु में अनेक एंगल होते हैं, अनेक पक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहां पर उनको निराकार भी कह दिया, अशरीरी भी कह दिया शरीर से रहित होने से, लेकिन फिर भी कुछ न्यून ज्ञान शरीरी पुरुषाकार भी आगमुक्त हैं, आगम के द्वारा कहे गए हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी विशेषता। क्या है दूसरी विशेषता? सिद्धों का एक समय का सुख। अब सुख के बारे में बता रहे हैं, उनका सुख कितना है? जो हमें सुख चाहिए ना, तो अपन सुख की तलाश यहीं पर करते हैं, सोचते हैं यहाँ सुख मिल जाए, कैसे भी मिले, किसी भी प्रकार से मिले, सुख मिल जाए। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सिद्धों का सुख कितना होता है। अब जरा हम देख लें, यदि हमें ऐसा लगेगा तो सिद्ध बनने की भावना भी उत्पन्न होगी। देखिए, सिद्धों का एक समय का, वो भी कह रहे हैं एक समय का सुख, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन होते हैं? छह खंडों का राजा, जिसके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा, सबको जीत चुका है, पूरे छह खंड की पृथ्वी पर राज्य करता है, ऐसा वह छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती। भोगभूमिज, भोगभूमिज कौन कहलाते हैं? जिन्हें षटकर्म कुछ नहीं करना पड़ते, सहज ही कल्प वृक्ष से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बहुत ही अनुकूलतामय उनका जीवन रहता है, इसलिए उनको भोगभूमिज कहते हैं। ये भी बहुत सुखी कहलाते हैं, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है, बस मजे से भोगना है, इसलिए चक्रवर्ती भी सुखी कहलाता है, भोगभूमिज भी सुखी कहलाता है। धर्णेन्द्र, ये सब देवों के ही भेद हैं, देवेंद्र, अहमेंद्र के सुखों से भी अनंत गुणा है। इनके सभी के सुख इकट्ठे कर लो, कई बार अपन सोचते हैं चक्रवर्ती बन जाए, है ना, सोचते कि नहीं सोचते, बोलो। चक्रवर्ती तो बहुत दूर यहीं कहेंगे, छोटे वोटे चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा लगता है वाह हम सरपंच हैं। क्यों, यहां पे भी है क्या कोई? अच्छा, तो इसको ही सरपंच बना दिए क्या? चलो, गांव में होते ना, कोई नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कोई यहाँ के मंत्री हैं, कोई वहाँ के अध्यक्ष हैं, आप लोग तो आपस में चुनाव थोड़ी करते, नहीं करते ना। हम लोगों के उधर जैसे जयपुर में से, तो हम लोगों की क्लास, एक ही क्लास में 35-35-40 लड़के होते थे, यहाँ तो पूरे मिला के होते हैं। तो जैसे क्रिकेट टीम है तो 11 खिलाड़ी खेलना है, अब 11 में उसमें चयन करते थे कि 11 किन को खिलाना,
जैसे नहीं भारतीय टीम में चयन होता है, वहाँ से लेना, तो हम लोग की ऐसी क्लास में चयन होता था, चयन भी होता था उसमें, फिर क्लास में अध्यक्ष भी होता था, उसका मैनेजर भी होता था, संयोजक भी होता था, कप्तान, उपकप्तान, सारे डिपार्टमेंट। हम लोग अपनी क्लास में ऐसे चलता था, वोटिंग भी होती थी, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उसका संयोजक बनेगा, कौन मैनेजर और कौन उसका कप्तान और कप्तान। तो आपस में क्लास वाले वोट डाल के सिलेक्ट, वो टीम चुनते थे, और उसमें किन को क्या बनाया जाए, किसकी जो रैंक चल रही है, किसका ग्रेड क्या चल रहा है, कौन कितना बढ़िया खेलता है, तो उस खेलने के हिसाब से उसको ऐसा बनाया जाता था। तो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा, मान लो तो वहाँ अध्यक्ष है, मान लो पहले तो टीम बना दी, टीम बन गई 11 लोगों की टीम या 12 लोगों की टीम। अब उसमें से कौन अध्यक्ष बनेगा, तो दो लोगों का चयन किया, इनमें से वोटिंग होगी। अब वोटिंग हो रही तो क्या गजब का माहौल बनता था, वो 12 लोगों में ऐसी, उसमें से तुम यार मुझे वोट देना, हम तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हें खिलाएंगे हम, तुम मुझे वोट देना। तो मुझे उतनी उतनी सी सड़ी से 12 लोगों के चक्कर में उसमें ऐसा चुनाव हो जाता था। वो फिर चुनाव होने के बाद निकलता था कि ये अध्यक्ष बन गए, ये टीम के मैनेजर बन गए, ये कप्तान है, उपकप्तान है, लो। और उसमें ही कोई जीत गया, वाह देखा, सब में हल्ला मचा देगा, मैं मैनेजर बन गया, मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ टीम का। ऐसे टीम के अध्यक्ष की घोषणा करें, भारतीय टीम के वहाँ के पूरे देश की टीम के अध्यक्ष बन गए, ऐसे अध्यक्ष बन जाते थे। उसमें भी इतना सा छोटा सा पद मिल गया तो आहा। ऐसे नहीं गांव-गांव में छोटे छोटे से चुनाव होते रहते, स्कूल में होते, कॉलेज में होते, और भी कहीं होते, तो ये छोटे छोटे से पद मिल जाते हैं तो उन पदों में ऐसा लगता है कि हम सचिव हैं इसके। ऐसे भी आजकल गांव-गांव नहीं होने, अखिल भारतीय युवा फेडरेशन, तो जहाँ देखो वहीं अध्यक्ष मिल जाएंगे, ये मंत्री, ये अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं, ये है, ये वो है, क्या बहुत बन जाते हैं। तो एक एक जो पोस्ट मिल जाती है तो पोस्ट में कितने खुश हो जाते हैं। और यहाँ तो कह रहे हैं इन सब के सामने सारी पोस्ट फेल हैं, चक्रवर्ती के सामने कौन सी पोस्ट है बड़ी। अब अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे इकट्ठे कर लो, पूरे दुनिया भर के माने जो अपने जो खोज रखी है दुनिया, ये जितने भी देश हैं, सब जगह के, अमेरिका का भी ले आओ, जहाँ जहाँ के राष्ट्रपति ले आना हो वे ले आओ, सबको इकट्ठा करो, और सब के सब चक्रवर्ती के सामने फेल हैं, क्योंकि चक्रवर्ती के तो सब गुलाम हैं, चक्रवर्ती तो सबको जीत लेता है। तो ऐसा चक्रवर्ती जिसको महान पुण्यशाली कहा जाता है, बहुत महान पुण्यात्मा कहा जाता है, सुखी कहा जाता है, कहते हैं ऐसे चक्रवर्ती का सुख, उसका भोग हुमेज, जिनको कुछ नहीं करना, कल्प वृक्षों से जो चाहे वो तुरंत मांगो, क्या खाना, क्या पीना, क्या ओढ़ना, क्या संगीत, कितने तरह की खान पीन की व्यवस्था, कितने तरह का म्यूजिक, कितने तरह की अन्य जो जो भी सुविधाएं चाहिए, तुरंत मांगा और तुरंत तैयार है, ज्यादा कुछ करने नहीं। ऐसे वे भोग हुमेज, ऐसे जो देवगति के जितने हैं, धर्मेंद्र हो, देवेंद्र हो, अमेंद्र हो, महान महान, कि जिनके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं, इतने महान होते हैं, ये भी मान लो, इनको अपन सुखी भी माने तो ये भी सब सुखी, और इन सबके सुखों को इकट्ठा भी किया जाए। यहाँ तो बहुत संक्षेप में लिखा है हमने, कई जगह तो और बहुत विस्तार से डिटेल में मिलता है कि इसका सुख, इसका सुख, इसका सुख, 10-20 वैरायटी की जितने सुखी जीव दिखाई देते हैं, इन सबके सुखों को इकट्ठा करो, तो इनसे भी सिद्धों का एक समय का, हमेशा का नहीं, एक समय का सुख इन सब से भी, सबको मिलाकर भी, इन सबके सुखों से भी अनंत गुणा है। बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं कि बराबर हो, बराबर नहीं, अनंत गुणा। और इनका लगा दो सबका जीवन भर का, इनका लगा दो जीवन भर का, सिद्धों का एक समय का, और एक समय का सुख भी इन सबसे अनंत गुणा है, इतना सुख। कभी कभी तो ऐसी कल्पना ही अपन कर रहे हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो जिसको प्राप्त हो वही जाने, ऐसा कैसा सुख होता होगा, किस वैरायटी का सुख होता होगा। चक्रवर्ती भी कुछ भी नहीं है, फेल है, भोगभूमिज फेल है, अहमेंद्र फेल है, स्वर्गों के ऊपर के 16 स्वर्गों के देव
ग्रेव्यक के देव, अनुदिश के देव, अनुत्तर के, सर्वार सिद्धि के सारे देव, सबको इकट्ठा कर लो, सबके सुखों को इकट्ठा कर लो, उन सबका सुख फेल है सिद्धों के एक समय के सुख के सामने। कि कौन सी वैरायटी का सुख होता होगा, कोई कल्पना भी कर सकते हैं? कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कौन सा सुख आखिर क्या है? मान लो चक्रवर्ती रसमलाई खाए और हम रसमलाई खाएं, हो सकता है वहां की भैंसों का थोड़ा और अच्छा होता हो, है ना? तो कितना होगा? वो रसमलाई खा रहा है, हम भी रसमलाई खा रहे हैं, तो क्या ज्यादा मजा आ जाएगा? उससे कितना गुना आ जाएगा? अपन भी एकदम प्योर भैंस का निकालेंगे, एकदम ताजा बिल्कुल शुद्ध पानी से, और अच्छी भैंस जिसका सही उसका निकलवाया और अच्छी रबड़ी बनाई, रसमलाई जो बनाना हो बना रहा है, वो अपन खाएं, एकदम टेस्टी नंबर वन की, हर उसमें जितना और मसाले डालना है, इलायची विलायची पिस्ता जो जो डालना है सब डाल दो, अपन सब करके अच्छा बढ़िया तैयार किया मटेरियल। और चक्रवर्ती भी ऐसा मान लो खाता होगा, तो अपन से कितना ज्यादा मजा आता होगा उसको? कितना आता होगा सूरज? कितना गुना होता होगा? थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, उसका अपन से कई गुना है। तो उसमें क्या डाल दिया उसने? बादाम, पिस्ता, काजू, इसके अलावा क्या डाला होगा? माने अपन यही तो तुलना कर नहीं पा रहे, ऐसा लगता है कि अपन से एकदम टेस्टी भोजन चक्रवर्ती करता होगा। अपन जो पहनते हैं कपड़े, अपन से और कितने अच्छे कपड़े पहनता होगा? सोने के कपड़े पहनता होगा क्या? डायमंड उसमें जड़े होंगे, तो उनसे डायमंड जड़े होने से सोने के कपड़े पहनने से क्या उससे थोड़ी मजा आता है? रिलैक्स चाहिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया, जो बॉडी को अच्छे से आराम दें। माने ऐसे कैसे कपड़े पहनता होगा, कैसा खाता होगा, कैसा रहता होगा, सोता होगा सो एक कमरे में? ऐसा तो है नहीं कि पूरे छह खंडों पे सो जाता है एक साथ, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या क्या नया सुख? फिर भी देखा जाए तो अपन से कई गुना तो चक्रवर्ती का सुख, कई गुना सुख वैरायटी में, भोग में जो का भी सुख है, और भी जिन जिन के लगा दिए सारे देवों का सुख, सारे जगह के सब जगह के जीवों का सुख, और यहाँ तो कह रहे हैं सबका इकट्ठा कर लो सुख। तो वो तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी वैरायटी होगी, कौन सा मटेरियल होगा कि सिद्धों का एक समय का सुख उसके सामने विश्व के संसार के सारे जीवों का जो कहा जाता है सुख वह सब फेल है, कुछ भी नहीं है। इतना मजा, इतना आनंद उनके एक समय में वो भोगते हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उदाहरण दे दे के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी वैरायटी में क्या 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 मजा आता होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा तो लगता होगा, ऐसा ध्यान हो किसी को कि कोई एक आध दिन सबका लगभग ऐसा रहता है कि आज का दिन तो मैं भूल नहीं सकता, ऐसा होता ना सबका, है सबका होता ना? कौन सी जनवरी? 19 जनवरी को क्या था? अच्छा, बस से बच गए थे सब, तो भूल नहीं सकते, तो वो तो दुर्घटना का दिन था। अच्छा, अभी बर्थडे आया था क्या 19 जनवरी? अच्छा चला गया। चलो बात तो ये करना है कौन सी, अपन तो खुश वाला दिन, जिस दिन खुशी मिली हो ऐसी कि जिसको हम भूल नहीं सकते, रोज तो मिलती नहीं, एक आध बार कभी मिली होगी, किसी को खाने में मिली होगी, किसी को पहनने में मिली होगी, किसी को प्रशंसा में मिली होगी, किसी को पुरस्कार में मिली होगी, किसी का मंच पर स्वागत हुआ होगा उसमें मिली होगी, कहीं पर किसी ने, बड़े विद्वान ने किसी की तारीफ कर दी होगी इसलिए मजा आया होगा, या हमने किसी कोई मेहनत की होगी तो उससे कुछ अच्छा काम कर लिया होगा
उसमें मजा आया होगा, किसी ने खेल कूद में भी कहीं पर हाफ सेंचुरी बना दी होगी या पूरी सेंचुरी बना दी होगी तो उसमें मजा आ गया होगा, कहीं ना कहीं तो सबका है ना एक आध ना एक आध, तो अपना तो एक आध कहीं की कोई मेमोरीज हो उतनी सी, और वो भी कोई दम तो है नहीं, ऐसी ऐसी सब जगह की सबकी इकट्ठी कर लो पूरे विश्व के जीवों की, हर एक का वो है क्षण, यादगार क्षण जो कभी लोग भूलना नहीं चाहते, ऐसे उस क्षण का जो सुख था, ऐसे अनंत जीवों का जो संसार में है उन सब का इकट्ठा कर लो, वह सब भी सिद्धों के एक समय के सुख के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसी वैरायटी वाला सुख माने आनंद, ऐसा आनंद है कि उस आनंद में तो सारे विश्व के सारे आनंद फेल हैं, इसलिए यहां कह दिया सिद्धों का एक समय का सुख इन सबसे भी अनंत गुणा है, इसलिए हमें इन पदों के पीछे अब नहीं भागना है, इनका आकर्षण नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे चक्रवर्ती बन जाएं, अर्धचक्री नारायण बन जाएं, प्रतिनारायण बन जाएं, या कुछ भी हम ये पदवी पालें, 63 श्लाका पुरुष हो जाएं, 169 पुरुषों में हमारा नाम आ जाए, कहीं ना कहीं से हम सोचें कि हम सुखी हो जाएंगे, तो इनको कह दिया सब फ्लॉप है, सारी डिग्री ये जितनी भी है ये सब सिद्धों के एक समय के सुख के सामने फेल हैं, इसलिए हमारे आदर्श ये नहीं बल्कि हमारे आदर्श तो सिद्ध भगवान है, बस हमें वही बनना है बस, ठीक है। कोई पहलवान होगा, पहलवान बनना चाहता होगा तो किसको आदर्श बनाएगा, बोलो किसको बनाएगा, सुशील कुमार को बनाएगा, खली को बनाएगा, किसको बनाओगे, सब अपने अपने हिसाब से जिसके नजर में जो होगा ना एकदम, कि अंडरटेकर को बनाओगे, खली को भी हरा दिया था ना उसने, चलो जो भी हो, जिसको पहलवान बनना है तो अपने वो आदर्श को रखेगा, किसी को खेल में कहीं आगे बढ़ना है तो अपने किसी ना किसी जो आदर्श खिलाड़ी है उसको सामने रखेगा, पहले सब कपिल देव को रखते थे, बाद में सचिन तेंदुलकर को रखने लगे, और अब धीरे धीरे नंबर विराट कोहली का आ गया, उसको आदर्श बनाने लग गए, किसको बनाएगा आदर्श, किसको बनाया जाएगा, जो एकदम टॉप पे होगा ना उसको आदर्श बनाया जाता है कि छोटे मोटे लोगों को आदर्श बनाया जाता है, यदि जिसको पैसे कमाना है तो उस फील्ड में देखेगा तो उस फील्ड में भी टॉपेस्ट को ही देखेगा कि जो एकदम टॉप पे चल रहा हो उसको हम सबसे आगे रखेंगे, जिसको नाम कमाना होगा तो उसको सबसे आगे रखेगा कि जिसका सबसे ज्यादा नाम दुनिया में चल रहा है, किसी को विद्वान बनना है तो विद्वान में वो अपने एकदम लेवल वाले हाईएस्ट विद्वान को सामने रखेगा कि हाँ ये हमारे आदर्श हैं, इनको हमें आदर्श बनाना है, क्यों, क्योंकि इनका ज्ञान जीवन एकदम भिन्न है और ऐसा हमें बनना है, उस तरह का आदर्श बनाएगा, तो सबके अपने अपने अपनी अपनी फील्ड के जो टॉप वाले हैं उनको ही आदर्श बनाया जाता है, नीचे वालों को आदर्श नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तुम लोग किस बात पे ऐसे बस रहे, अच्छा गौरव जी को आदर्श बना दो, अब ठीक है भाई, हो सकते हैं किसी के है ना, माने आदर्श तो कौन हो सकता है, ये बात स्पष्ट हो गई, जो उस फील्ड का एकदम टॉप मोस्ट हो, तो ऐसे ही इस फील्ड के हमें तो चाहिए सुख, और सुख वालों में सर्वाधिक टॉपेस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेज पर सबसे ज्यादा सुखी हमें कौन नजर आ रहा है, हम उसको ही अपना आदर्श बनाएंगे, तो इसलिए हमारे आदर्श हो सकते हैं एक ही सिद्ध भगवान, बस इसलिए उनको हमें आदर्श बनाना है, और आदर्श बना के बस कैसे हम बने, जैसे बॉडी बिल्डर्स वो सारी फोटो लगा लगा के उनकी बॉडी को देख देख के अपनी बॉडी
देखता है, हाँ कितनी बढ़ गई, कितनी इंच फिर नापो, फिर कितनी इंच फिर नापो, फिर नापो, है ना? ऐसा करते कि नहीं करते? तो उनकी फोटो लगी रहती है, तो सब अपना अपना देखते हैं। ऐसे ही सिद्ध भगवान हमेशा सिद्ध, सिद्धों का स्वरूप निराकार अशरीरी चिन्ह मात्र आकार है, बस ज्ञान शरीरी है, जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे हमारे भी आदर्श हैं। अनंत सुख अव्यवाद सुख को भोग रहे हैं, भी हमारे आदर्श हैं, हमें वैसा बनना है। इसलिए सिद्धों का ही निरंतर चिंतन मनन और उन्हीं को ही आराध्य बनाकर हम उनका ध्यान करें। तीसरा बिंदु देखते हैं, सिद्ध भगवान कहाँ विराजते हैं? देखिए तीसरा पॉइंट, सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में तनुवात वलय के उपरिम भाग में। लोक का अग्रभाग पिछली कक्षा में बताया था, तनुवात वलय, पहले घनोदतिवात वलय, फिर घनवात वलय, फिर अंतिम तनुवात वलय। तनुवात वलय एकदम टॉप में, उसके उपरिम भाग में, ऊपर के हिस्से में मनुष्य लोक प्रमाण 45 लाख योजन विस्तार वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं। जैसे मनुष्य लोक कितना है? 45 लाख योजन। वहां पर सिद्ध लोक भी कितना? 45 लाख योजन सिद्ध क्षेत्र में। तो वहां 45 लाख योजन विस्तार वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं, वहां पर विराजमान हैं। माने जो जो भी सिद्ध बनते हैं सब के सब वही चले जाते हैं, यहां रुकने का काम नहीं है, है ना? तो ऐसे हम भी सिद्ध बनेंगे तो हम भी सब के सब वहीं मिलेंगे। संभावना तो ऐसी लगती है, कभी कभी सोचते रहते हैं कि अपन भले ही अभी थोड़ा थोड़ा सब में राग द्वेष तो है और गलतियां भी सब करते हैं, कोई बात नहीं, होती रहती है, तो होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अंश में इतना तो लगभग लगभग सबके बैठ गया होगा कि नहीं यार, अच्छी चीज़ तो यही है, मार्ग तो यही है। कर नहीं पा रहे अलग बात है, ज़्यादा उस पर उतर नहीं पा रहे अलग बात है, चल नहीं पा रहे अलग बात है, लेकिन अभी जिससे भी पूछा जाए हो सकता है सामूहिक नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि सामूहिक यदि बता दो हमें तो यही मार्ग अच्छा लगता है तो दूसरे हमें चिढ़ाएंगे, हैं ये धर्मात्मा, इनको इन्हें ये मार्ग लगता है, उधर देखो क्या नाटक करते रहते हैं, देखो उधर ऐसे घूमते रहते हैं, देखो उधर मस्ती करते रहते हैं, देखो क्या खाते पीते रहते हैं, ये धर्मात्मा, इनको धर्म पसंद है। ऐसा जान के कि कोई चिढ़ाएगा इसलिए हाथ तो नहीं उठाएगा कोई, लेकिन यदि अंदर से ईमानदारी से यदि पूछा जाए किसी से भी तो सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में इतना तो बैठ जाता है कि वास्तव में मार्ग तो यही है, धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं। अभी जैसे कई भूतपूर्व मिल जाते हैं ना, बहुत सारे जयपुर से निकले, जहाँ जहाँ से बहुत पुराने हो गए, 50-50, 60-60 साल तक के हो गए कई, तो भले ही वो मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद मान लो उनकी ये सब चीज़ें छूट भी गई हों, तब भी वे जब भी बात करेंगे तो लगे यार अच्छा तो ये है, मजबूरी हम कर नहीं पा रहे, ज़्यादा स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, माहौल नहीं है, या जो भी रहा, या जितना किया नहीं किया, या पहले पढ़ते समय भी उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अच्छा मार्ग तो यही है, इससे अच्छा दुनिया में विश्व में कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। इतने संस्कार तो बैठ ही जाते हैं कुछ भी हो जाए, और यही संस्कार किसी के इसी जन्म में और किसी के अभी नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं फलित होते हैं, और ऐसे सभी जीव शीघ्रता से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा सोच के हमें कई बार विकल्प आता है कि अभी जितने बैठे हैं हो सकता है इनमें से कईयों को डांटा हो, कभी हो सकता है कुछ और भी कर दिया हो, है ना, पीट भी दिया हो, लेकिन ये सब आगे चल के सब ऐसे अगल बगल में मिलेंगे, सब भाई साहब आप भी वहीं थे, हमें पढ़ा रहे थे, देखो हम भी आपके बगल में ही सिद्ध बन के बैठे हैं, आप क्या समझते थे हम नालायक हैं, आपसे पहले आ गए हैं, कब आए तुम? 1 महीना पहले, 1 महीना। फिर दूसरा कहेगा मैं तो 1 साल पहले आया था, आप सोच रहे थे कि आप पढ़ाने वाले ही पहले पहुंचोगे, हम आपसे 1 साल पहले आ गए, आप तो पीछे रह गए। ऐसे ऐसे मिलेंगे, सही कह रहा हूँ, बातें नहीं करेंगे लेकिन ज्ञान में तो सबके झलकेगा कि नहीं,
हैं, हो सकता है इनमें से कई हमसे पहले मोक्ष चले जाएं, तो कहेंगे भाई साहब मैं माने बता रहा हूँ ऐसा चिंतन कोई कहेगा तो नहीं, आपने क्या कहा था नालायक कुछ नहीं कर सकते गधे हो धर्म का कुछ रुचि नहीं है, हमें बता रहे थे ज़्यादा और देखो आपसे पहले मतलब ऐसा मौका मिलता तो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, कहते थे कि तुम लोगों का कोई कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल आ गए फालतू में धर्म का नाम लेते हो, धर्म धर्म में रुचि है कोई रुचि नहीं है, खूब बोलते थे है? लेकिन अब कैसी रही, अब तो पहले आ गए ना, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी मोक्ष जा सकता है, अपन इतना पढ़ रहे हैं मुझे तो लगता है कि इन सब में से सब के सब मोक्ष जाने वाले हैं, अपन जाएंगे सब जाएंगे, अब इतना अंतर है कि कोई थोड़ा आगे पीछे जाएगा, लेकिन जाना हम सबको है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंशों में ये बात तो बैठ गई है, ये चीज़ अच्छी है, जिसको इतनी भी बैठ जाए वो अभी नहीं तो कभी ना कभी अपना काम करेगा, जरूर करेगा, इसलिए हमें इतना हम पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर बैठ जाए, नहीं बैठी हो तो बैठ जाए और बैठ चुकी है तो आगे बढ़े, आगे बढ़ता जाए, ये पुष्टि होती जाए तो वास्तव में कमाल हो जाएगा और होना ही है, ये बात भी पक्की है। ठीक है, तीसरा बिंदु अपन ने देख लिया कि सिद्ध क्षेत्र में सभी वहां पर विराजमान होते हैं, चौथा बिंदु अपन देखते हैं, चौथा क्या है, हम यहां से दबाते हैं उधर से ही दब जाता है, चलिए, उपरिम भाग में सभी सिद्धों के सिर सदृश होते हैं तथा अधस्तन भाग में कोई विसदृश होते हैं, कैसे होते हैं सबके सिर, उपरिम भाग में तो सबके सिर, अब देखो यद्यपि सिर तो उनके होते नहीं लेकिन सिर ना होते हुए भी कहा जाता है उपचार से, तो उनके जो सिर हैं बिल्कुल ऊपर के लेवल सबके समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, अब नीचे नीचे यदि जाएंगे तो जिनकी हाइट अंतिम शरीर में जैसी होगी उसके अनुसार समान वाले भी होंगे, 500-500 धनुष वाले भी बहुत होंगे, 125 वाले भी होंगे कई, इसके अलावा और बीच वाले तो अनेकों होंगे, 3.5-3 हाथ वाले भी होंगे, तो ऐसे सब छोटे बड़े हाइट वाले सब प्रकार के होंगे, बस इतना है ऊपर तो सबका लेवल समान, नीचे कम ज़्यादा किसी भी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उपरिम भाग में सभी सिद्धों के सिर सदृश तथा अधस्तन भाग में कोई विसदृश भी होते, सदृश भी हो सकते हैं और विसदृश भी हो सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट देखें, सिद्धों की जघन्य अवगाहना, देखो सबसे छोटे हाइट वाले सिद्ध कितने कम से कम और अधिकतम कितने, वह भी अपन देखते हैं। सिद्धों की जघन्य अवगाहना, निज आत्म प्रदेशों में व्याप्त रहना, जघन्य अवगाहना माने आत्मा के प्रदेशों की अवगाहना, कितनी, कुछ कम 3.5 अरतनी, देखा जाए तो सामान्य रूप से शास्त्रों में 3.5 हाथ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है 3.5 हाथ, अपन ने कुछ कम उस अपेक्षा से कर दिया कि जो आत्म प्रदेश हल्के से संकुचित होते ना अंतिम शरीर से किंचित न्यून, उस अपेक्षा से किंचित न्यून कर दिया और कुछ कम 3.5 अरतनी, कई जगह शास्त्रों में अरतनी शब्द भी मिलता है, तो अरतनी शब्द का अर्थ क्या लेना, वो ढूंढा तो यहां पर मिला मुट्ठी बंद हाथ, अरतनी माने ऐसा खुला हाथ नहीं लेना, ऐसा मुट्ठी बंद हाथ, इतने एक हाथ के बस इतने, तो ये कितने हाथ के लेना है 3.5 हाथ, ऐसे 3.5 हाथ लेना है, कुछ कम 3.5 अरतनी माने मुट्ठी बंद हाथ, तथा उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम 525 धनुष है, 525 धनुष भी कह सकते हैं अथवा प्रदेशों के किंचित न्यून संकोच के कारण से कुछ कम 525 धनुष भी इतनी उत्कृष्ट अवगाहना कही गई है, इस सिद्धों की जानना जघन्य भी हो गई उत्कृष्ट भी हो गई। किनका हाथ लेना है, अब इसके लिए तीन लोग की चर्चा अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है,
उसमें पता क्या होता है कि बहुत वैरायटी का, कि अब कहाँ का लेना, किसका लेना। अंगुल की भी चर्चा आती है, तो अंगुल भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो प्रकरण अपना अलग हो गया। अभी उसको अपन यहाँ गौण करते हैं, जब वो प्रकरण चलेगा तो पूरा अपन नाप नाप के भी देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पांचवी विशेषता हो गई, अब छठवी। जघन्य से संख्या में एक समय में एक सिद्ध बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक समय में कोई एक ही सिद्ध बने, ऐसा भी, और अधिकतम यदि बनेंगे एक साथ तो कितने। उत्कृष्ट रूप से 108 जीव सिद्ध बनते हैं, ऐसा भी जानना चाहिए। ठीक, नंबर सातवां पॉइंट, अध्यात्म भाषा में सर्व सिद्धों को कार्य समय सार कहते हैं। तो सभी संसारी आत्माएं उनको कारण समय सार, और सिद्धों को कहते हैं कार्य समय सार। कारण में से ही कार्य बंद होता है, जैसे मिट्टी है कारण मिट्टी, मिट्टी का ढेला, और उसमें से ही घड़ा बनता है, तो वह कार्य रूप में परिणमित हो जाता है। ठीक है, देखें तो मिट्टी में कारण घड़ा है, क्या है, कारण घड़ा है, और जब वो बन गया तो कार्य घड़ा है। ऐसे ही सभी संसारी आत्माएं कारण समयसार हैं, और जब सिद्ध बन जाते हैं तो वे सभी आत्मा कार्य समयसार कहलाते हैं। समयसार मतलब समय माने आत्मा, और सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। तो अभी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, कारण रूप में शक्ति रूप में सभी आत्माएं समयसार हैं, और सिद्ध अवस्था में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित कार्य रूप में पर्याय में भी वे समयसार हो जाते हैं, शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। ऐसे इसलिए अध्यात्म भाषा में सर्व सिद्धों को कार्य समयसार कहते हैं। 7 पॉइंट हो गए। नंबर 8, एरो बने हुए हैं, देखिए ये बताते हैं कि इसमें क्यों बनाए हैं। सिद्धों के वास्तव में तो अनंत गुण हैं, किंतु उनके 8 कर्मों के अभाव रूप 8 विशेष गुण कहे हैं जो निम्न हैं। हैं तो कितने गुण, अनंत। अपन कहते हैं कितने हैं, 8। 8 के अपेक्षा से 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं। तो 8 कर्मों कौन से हैं, और कौन से कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट होता है, वो यहां पर अपन जानते हैं। देखिए सबसे पहले, ये तो सब एक साथ ही आ गए, सही बात है, एक साथ प्रकट होते हैं। ये प्रकटता सबसे, कर्मों का अभाव, ये हो गए कर्म, और कौन से कर्मों के अभाव से कौन से गुण प्रकट होते हैं वो यहां सामने लिखे हुए हैं। देखिए कर्मों का अभाव, ज्ञानावरण का अभाव होगा तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावरण का अभाव होता है तो अनंत दर्शन प्रकट होता है, मोहिनी के अभाव से अनंत सुख प्रकट होता है, अंतराय के अभाव से अनंत वीर प्रकट होता है। यद्यपि ये 4 तो प्रकट हो जाते अरहंत अवस्था में ही, ठीक है, और फिर बाकी के 4, वेदनी का अभाव होने से अव्यवाधत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म के अभाव से अगुर लघुत्व। इस तरह से इन 8 कर्मों के अभाव से ये 8 गुण सिद्धों के प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 कर्मों के अभाव से, घाती कर्मों के अभाव से, ये 4 तो अनंत चतुष्टय अपन जिनको कहते हैं, और दूसरा यहां वेदनी के अभाव से अव्यवाधत्व, जो कहा था ना सिद्धों के अव्यवाध सुख होता है, तो ये जो वेदनी कर्म है जब तक ये रहता है तब तक अव्यवाध नहीं कहते, क्योंकि असाता वेदनी 14वें गुण स्थान में ही विद्यमान है, और असाता वेदनी को सुख का बाधक कहा जाता है, क्योंकि असाता वेदनी का उदय हो तो जीव के प्रतिकूलता का वेदन होता है, तो वहां पर भी असाता वेदनी विद्यमान है, लेकिन
यद्यपि अयोगी के उनके कोई सुख में बाधा पहुंचाती हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सुख का बाधक कहा जाता है और वह सुख की बाधक रूप असाता वेदनी का भी अभाव हो गया है, इसलिए उनके अव्यवाधत्व तो कह दिया जाता है। फिर आयु के अभाव से अवगाहनत्व, तो फिर नाम कर्म के भाव से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के भाव से अगुण लघुत्व। इस तरह से आठ कर्मों के अभाव से ये आठ गुण उनके प्रकट हो जाते हैं। ये हो गया विशेषताओं वाला प्रकरण। अब हमें देखना है इन सब विशेषताओं को हमने जाना, इन विशेषताओं को जानकर हमें क्या लाभ हुआ। सिद्धों का इतना विस्तार से स्वरूप जाना तो उसको जानने से हमें क्या लाभ हुआ, तो हम लाभ देखने का प्रयास कर रहे हैं क्रम से। देखिए पहला लाभ, सिद्ध भगवान ही हमारे आदर्श हैं, उनकी सही जानकारी से उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। आज भक्ति भी गाई थी सभी ने, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। फिर अविरुद्ध शुद्ध चिदघन उत्कर्ष तुम ही मेरे, सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर सुख खान गुण खान निर्वादित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम बंदन अगणित मेरे। वंदन अगणित माने इतने वंदन करूं मैं। कितने वंदन कि जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने बार वंदन, वंदन अगणित मेरे, जिनकी कोई गणित भी नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, इतने अगणित, इतने बार मैं आपको वंदन करता हूं। पर और भी सारी विशेषताएं बताई, राग आदि रहित निर्मल, बहुत सारी विशेषताओं से सिद्धों की हमने वहां पर स्तुति की। तो यहां पर भी वही स्तुति है कि हमारे आदर्श वे ही हैं, उनकी सही जानकारी हमें मिली। आदर्श की जानकारी एकदम पक्की होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, एम है, गोल है, उसका हमें सही निर्णय चाहिए। यदि निर्णय नहीं होगा तो हम विचलित तो हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, भटक सकते हैं। और यहाँ हमें सिद्धों का निर्णय हो चुका है, अब भटकने का कोई चांस नहीं रहा। और एक बात और है खास कि इन सब का निर्णय हमें स्वयं ही करना चाहिए, दूसरे के निर्णय से नहीं, कि किसी और ने निर्णय कर लिया, उन्होंने बता दिया सो हमने मान लिया, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरे के द्वारा निर्णय करता है तो तीसरे के द्वारा कुछ और कहने पर बदल भी सकता है। मान लो हमने कह दिया कि बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, शुभम बमनोरा बहुत अच्छा लड़का है, तो सबने मान लिया, अरे वाह भाई साहब ने कहा था बहुत अच्छा है, चलो तुम तो बहुत अच्छे हो, सब कहने लग गए तुम तो बहुत अच्छे हो। अब एक आध और आ गए कहीं से कोई, अच्छा अपने यहाँ हैं दीपक जी हैं, शिखर जी हैं, जो भी, या बाहर के भी कोई आ गए अच्छे विद्वान, बड़े विद्वान, और वे आगे कहने लगे ये वहाँ द्रोणगिरी में कहाँ कहाँ घूमते रहता था, ये ऐसे ही है खन्या धारणा में पड़ता था, ये पता नहीं क्या क्या करता था, ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है, है? अरे हम तो कह रहे थे बहुत अच्छा, अब पता चल गया, अब मेरी आँखें खुल गई कि ऐसा है। अब दूसरे के कहे अनुसार निर्णय करोगे तो तीसरे के कहे अनुसार निर्णय बदल जाएगा, इसलिए निर्णय किसका होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तो सिद्धों के बारे में भी निर्णय हमारा स्वयं का हो, हम खुद जानें कि वास्तव में सुखी तो सिद्ध ही हैं और हमें बनना है। अब तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कोई भी कह दे कि नहीं हमें वे नहीं बनना है, क्या फ़ायदा है।
हम इतनी तपस्या करें, शरीर को सुखाएं, नग्न दिगंबर साधु हो जाएं और नहीं बने सिद्ध, तो फालतू में मेहनत चली गई हमारी और पंचम काल में तो जाना ही है, मोक्ष तो होगा नहीं, फिर क्या करें? अरे रहने दो अपन, ऐसा अभी तो भोगो मजे से, क्योंकि मोक्ष तो हर नहीं है, बाद में अपन विदेश क्षेत्र जाएंगे, वहां से चले जाएंगे मोक्ष। ऐसे जीवों का कल्याण नहीं होता जल्दी, जो अभी के अभी सोच लेते हैं सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, तो हमें उसी मार्ग पर चलना है। भले ही हम इस भाव में मोक्ष न जा पाए तो क्या हुआ, हम आगे की भाव परंपरा को तो इसी भाव में तोड़ सकते हैं, इतनी सामर्थ्य तो यहाँ इस पंचम काल में ही विद्यमान है, उसका सही लाभ उठाएं। ठीक है, नंबर दूसरा लाभ, सिद्धों ने जैसे उस पद को प्राप्त किया उसकी यथावत जानकारी से और उनके जैसे सही मार्ग पर चलने से हम भी उन जैसा बन सकते हैं, यह निर्णय होता है। ठीक है, जैसा उनने मार्ग अपनाया वैसा हम भी अपनाएं, तो देखो मार्ग तो वही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे उनने सिद्ध पद पाया, जिस मार्ग पर चलकर पाया, हम भी यदि उसी मार्ग पर चलेंगे तो हम भी सिद्ध बन जाएंगे। यदि हमने वह मार्ग नहीं अपनाया तो हम सिद्ध बनने वाले नहीं हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स ने क्या किया था, रोज व्यायाम भी करता था, समय पर उठता था, समय पर सोता था, खूब खाने पीने में भी एकदम व्यवस्थित, क्या खाना क्या पीना, पूरी डाइट सेट, पूरा बिल्कुल सेट करके चलते थे कि नहीं? यदि वो ऐसा करता था तो हमें वैसा करना पड़ेगा, है? यदि हमने वैसा नहीं किया और क्या किया, कुछ भी खाते गए, घास फूस, और सोचे पहलवान बन जाए, कैसे बन जाएंगे? तो जैसे वो बना वैसा हमें करना पड़ेगा। अब हमें पता चला कि ये एकदम मेरिट में आया है, इसने अच्छी पढ़ाई की थी, ये हमारा आदर्श है, तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? अभी मेरिट में आने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगी। कैसा, उसने तो पढ़ाई की थी, मैं तो बिना ही पढ़े मेरिट में आऊंगा, कैसे? हम तो बस जो आदर्श है ना उसकी फोटो चिपका के आ जाएंगे, उसमें क्या करके आ जाएंगे, जो हमारा आइडियल पर्सन है उसकी हम फोटो चिपका के आ जाएंगे तो हम मेरिट में आ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें वैसा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तो हम उस लक्ष्य तक जा सकते हैं। यदि हमने वैसा प्रयास नहीं किया तो उस लक्ष्य तक जाना संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा आदर्श है, आदर्श ने किस क्रम से, किस मार्ग से वह मंजिल प्राप्त की है, हमें भी उसी मार्ग से हमें उस मंजिल को प्राप्त करना है, ऐसा प्रयास हमारा अभी से हो जाना चाहिए, तभी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। देखिए तीसरा लाभ, सिद्धों का और हमारा दोनों में स्वभावता तो कोई अंतर नहीं, ठीक है, दोनों में स्वभावता तो कोई अंतर नहीं, माने सिद्धों में और हम में, दोनों में, ऐसी जानकारी से हम भी उन्हें जैसा बन सकते हैं, यह निर्णय होता है। हमें पता चल गया दोनों में कोई अंतर नहीं, स्वभाव से तो कोई अंतर है नहीं, ऐसा यदि हमें निर्णय हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम उन जैसा बन सकते हैं, यह बात तो पक्की हो जाती है, क्योंकि मटेरियल दोनों का एक सा है। जैसे कोई कारीगर है, एक पत्थर को देखकर उसमें प्रतिमा देख लेता है और उसी में से प्रतिमा निकालता है, ऐसे ही मान लो हम भी शिल्पकार बनना चाहें, तो शिल्पकार था तो हम भी बनना चाहें तो हमें भी उस पत्थर में प्रतिमा देखना चाहिए, तो हम भी वहाँ से मटेरियल साइड साइड का हटाते जाएंगे तो प्रतिमा बन जाएगी। तो ऐसा हम करेंगे उसी के समान तो हम बन सकते हैं, यदि नहीं करें तो संभव नहीं है। इसलिए जब हमें पता चल गया कि दोनों का मटेरियल समान है, सिद्धों का और हमारा,
जब दोनों का मटेरियल समान है तो जिस क्रम से उनने मोक्ष को प्राप्त किया उसी क्रम से हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला चौथा बिंदु अपन देखते हैं, चौथा लाभ, उनमें इतने अधिक गुण हैं उसमें भी सबसे मुख्य जो सुख जिसे हम सदा काल के लिए चाहते हैं वह उनको प्राप्त है, ऐसा जानकर उनका विशेष बहुमान भी आता है। जो चीज हमें चाहिए वो उनके पास है और हमें आइडियल पर्सन मिल गया, और वही चीज हमारे पास भी, हमें खोजना है बस, एक बार खोज लें तो काम हो गया, ऐसा जानकर विशेष बहुमान भी उनके प्रति आता ही है। अगला पांचवा लाभ, मुक्त भगवान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने से अन्य मत कल्पित मान्यताओं से दूर सच्चा मार्ग प्रशस्त होता है। हमने जान लिया कि भगवान तो ऐसे ही होते हैं, अब तो कहीं के मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कहीं पर सिर झुकने वाला नहीं है। और इतनी तो बात पक्की है कि जो ऐसे धार्मिक विद्यालय में पढ़ लेता है तो इतना तो ठोस हो ही जाता है कि अब वो इधर उधर जाके मंगलवार का प्रसाद नहीं खाएगा। सोचेगा एक बार, पहले तो सोचता भी नहीं था, पहले तो ये सोचता था कैसे मिले, नहीं सोचते थे, और अब क्या सोचते हैं, कोई मना मना के भी खिलाए तो लेंगे नहीं, मजबूरी में संकोच में लेना पड़े तो हाथ में ले लिया और धीरे से धर दे दिया या कहीं और फेंक दिया, ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन नहीं खाना चाहते, ना वहां दर्शन करने जाएंगे, ना किसी को पूजने जाएंगे, पता है कि ये भगवान है ही नहीं। अरे जो भगवान है हमें पता चल गए, अब तो बस सिर झुकेगा तो इनके सामने झुकेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। इतना तो ठोस निर्णय, इतनी श्रद्धा तो पक्की हो ही जाती है, भले अभी वो अंदर तक प्रविष्ट नहीं हुई श्रद्धान, अभी उतना निर्मल नहीं हुआ जितना सम्यक दर्शन के लिए चाहिए, लेकिन इतना तो हो गया कि अब सिर झुकता नहीं है। पहले तो जा के सिर पटकते थे, नारियल फोड़ के भी आ जाते थे, मगध का लड्डू भी खा के आ जाते थे, आते थे कि नहीं रोहित, अब तो मान लो वो दिख भी गए, अरे यार इनको क्या, अब कैसे सिर झुकेगा, झुक सकता है गौरव, संभव ही नहीं है, इनने कह दिया तो प्रमाण हो गया है ना। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन मन में सोचना ईमानदारी से, यहां अधिकतम जितने भी आए हैं पढ़ने के लिए सबने मंगलवार का प्रसाद खाया होगा, कहीं ना कहीं जाके सिर पटका होगा, सब जगह जाओ लड्डू भी ढूंढे होंगे मगध के, नारियल का प्रसाद भी खाया होगा, चिरौंजी दाने खाए होंगे वे मीठे वाले, है ना, सब खाए होंगे, लगभग सभी ने खाए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई धोखे से ऐसा हो, और कहना भी मत, है ना, कोई होगा तो हो भी सकता है भाई, मैं सर्वथा तो नहीं कह सकता, लेकिन वो 10 दिन उस समय, फिर 9 दिन उस समय, फिर उस दिन, फिर कभी उस समय, फिर कभी उस समय, सब जगह जा के घूमे होंगे, खूब होली के समय पर होली की लकड़ियाँ इकट्ठी की होंगी, होली का दहन किया होगा, रावण के पुतले जलाए होंगे, खूब किया होगा, सबने किया होगा, होली पर खूब रंग भी फेंके होंगे, दीपावली पर पटाखे भी चलाए होंगे, लेकिन अब सोचना पड़ता है, पटाखा, एक पटाखा फूटता है असंख्या जीव मरते हैं, नहीं अनंत जीव मरते हैं, नहीं पटाखा फोड़ने में अंदर से ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा, रंग कैसे करें, होली कैसे जलाएं, होली का दहन में कितना पाप है, रावण का पुतला क्यों जलाएं, क्यों, क्योंकि पता चल गया अरे रावण का जीव वो तो बहुत महान था, एक आध गलती की थी तो की थी, उससे बड़े महान अपराधी तो सब बैठे हैं, इसलिए उसने जो गलती की हम उसको जला जला के क्यों पाप करें, क्यों अनुमोदना करें, बहुत वैरायटी के पाप कर लिए, कर चुके, लेकिन अब ये नहीं होते, सब छूट गए। यदि अपन ऐसा इकट्ठा करें ना, अपने नोट्स तैयार करें, तो ऐसा पता चले कि ये सारी चीजें क्या सहज छूट गई। जिन जिन त्योहारों को हम अपना त्योहार मानते थे, उत्साह से जाते थे, सारे पाप काम करते थे और ऐसा लगता था यही त्योहार है, और अब पता ही नहीं चलता,
कब कौन से त्यौहार निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ तो वही सुबह से प्रार्थना, वही फिर प्रवचन, वही क्लास और वही सारा अध्ययन, और कहाँ जाता है। कितने बच गए, गजब हो गया। लिस्ट बनाओगे तो पता चले कि कहाँ कहाँ जाने के चांस थे, और उन सबसे बचकर भले ही पहले मजबूरी में बचे, अब वो चीज़ सहज हो गई। ये कितने सारे लाभ हैं, और हमें तो देख रहे हैं इस लाभ के बारे में, असली लाभ कि मुक्त भगवान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने से अन्नमत कल्पित मान्यताओं से दूर सच्चा मार्ग प्रशस्त होता है। अब तो हमें सच्चा मार्ग मिल गया, अब हम कहीं पर भटकेंगे नहीं। ये बात इस तरह से पांच लाभ हमने जाने। अब अतिरिक्त चर्चा और, बस छोटा सा विषय है, दो तीन मिनट का, देखते हैं अंतिम बिंदु। अतिरिक्त चर्चा में सत सिद्धावस्था तथा सिद्ध जीवों का अस्तित्व है, एक बात। संख्या, अतीत काल की अपेक्षा सिद्ध जीव अनंतानंत है तथा वर्तमान की अपेक्षा प्रत्येक 6 माह व 8 समय में 608 जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। माने भूतकाल में तो अनंत हो गए और हर 6 महीने 8 समय में 608 वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं। ये हुई संख्या। क्षेत्र, लोक के अग्रभाग में स्थित तीसरे तनुवाद वलय के कुछ भाग में अर्थात लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं। ये हो गया क्षेत्र। काल तो पहले देख ही चुके हैं, सादी अनंत काल। भाव कितने हैं इसमें? एकमात्र शायक भाव, सिद्धत्व भाव। अभी इसके पहले गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में भी कितने भाव बताए थे? 13 भाव। अब सब खत्म, कुछ नहीं, एकमात्र कौन सा? शायक भाव। अब पारनामिक तो है ही, ठीक है, वो तो मुख्यता से बात कर रहे हैं, फिर तो गिनाएंगे तो अभी जीवत्व भी निकल आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए अपन मुख्यता से कौन सा? एकमात्र शायक भाव। बंद प्रत्यय में कितने हैं बंद प्रत्यय? एक भी नहीं। पूर्णतः निर्बंध, आश्रव बंध का भाव, क्योंकि अब बंध के सभी मिथ्या त्वविरति प्रमाद कषाय योग कारणों का भाव हो चुका है। इस तरह से अब कोई भी किसी भी तरह का बंध नहीं है। और अब अंत में क्या गया? शुरू कहानी अपनी यहीं से हुई थी, इसी तरह की पिक्चर से शुरू हुई थी, और अब ठीक है। तो इस तरह से अपन ने सभी ने यहाँ पर सिद्ध भगवानों का गुणस्थान, गुणस्थान अतीत सभी का जितना बन सका उतनी गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद आपसे हम जानेंगे कि आपको क्या क्या लाभ हुए। अभी तक तो हम सब बताते गए, अब आप लोग चिंतन करें, मनन करें, और फिर आपसे पूछा जाएगा, और आपको बताना है क्रम से आकर, हो सकता है या तो यहीं आकर या फिर वहीं अपनी जगह पर आपको बताना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, ये पड़ेगा वाली भाषा बोली जाती है, वास्तव में बताना चाहिए कि हमें इसको पढ़ने से क्या लाभ हुआ। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, आपके स्वयं के द्वारा जो अनुभूत लाभ है, ज़्यादा विस्तार से कहना नहीं है, एक दो वाक्य में बोलना है, उस लाभ की चर्चा हम आपके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अभी अपना समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं।